तो यहाँ तक था आपने पार्ट वन वीडियो का एंड। यहाँ पे खाना खा लिया था, तो अब आगे दिखाते हैं आपको। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। तो ये अपने एथलीट शुभम भाई, ये प्रोटीन पाउडर लेके आए साथ, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। तो अभी ये जस्ट मिक्स कर रहे हैं, फिर इसको भी लेंगे। खाना खा लिया है और अब शुरू करेंगे ट्रैक ऊपर को। तो ये बैठे हुए हैं दाल चावल खाने, हमने खा लिया है। और ये मुकुल भाई, और ये जरूरी है यहाँ पर हमारे गाय, देख सकते हैं आप, प्यारी प्यारी गाय आ चुकी है। सरकार ता साडी अपनी है, उतो बंदे नाल दे ताकड़िया रखी दा यसला रेलिया ते किवें हो जू परचा वेलिया ते नाल शूटर पक्के रखड़े है। अपने साथ योगेश ब्रो आ चुके हैं। हेलो ब्रो, गुड मॉर्निंग योगेश ब्रो। हेलो, खाना खा लिया है दाल चावल? बढ़िया बढ़िया, ब्रेकफास्ट डन हो चुका है। तो योगेश ब्रो बताएंगे कि आगे का क्या प्लान होगा हमारा। आगे का अपना अभी 12 किलोमीटर का ट्रैक बचा है और वो हमको आज ही कवर करना पड़ेगा, और वापसी आके हमने यहाँ पे कैंपिंग करनी है। तो कीप वॉचिंग, और टाइम से आने का ट्राई करेंगे शाम को। और ये अपने योगेश ब्रो साथ में, और ये सारे बैठे हुए हैं, रेडी हैं अब चलने के लिए। तो यहाँ से चले हैं ऊपर, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुल जी महाराज की जय, मंदिर का रास्ता ये, तो ये डायरेक्शन कर रहा है, तो यहाँ को चले हुए हैं। सो यू कैन सी, ये प्रत्यूष ने अभी अभी बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ देखे हैं आपने, और भी बने हुए हैं। ये वाला प्रत्यूष भाई ने अभी छोटा सा बना दिया, यहाँ पे और भी बने हैं। तो ऐसी ऐसी कलाकारियाँ दिखती रहेंगी आपको रास्ते में। अंतरिक्ष जी ऑन द वे, जोरदार जय शंकर की। तो भी चले हुए हैं ट्रैक के ऊपर, जय शंकर, ओम नमः शिवाय लिखा, और आगे को रास्ता, ये रास्ता चला हुआ है। सो वी नीड टू कीप गोइंग ऑन। तो आप देख सकते हैं चूड़धार 8 किलोमीटर, नहराधार 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नीचे से नहराधार से कल से ट्रैक करते हुए चल रहे हैं ऊपर। चल रहे हैं भाई लोग ट्रिप पर, गाय हमारी माता है। पंचर है गाड़ी तो पैदल पहाड़ी, पहाड़ी खिलाड़ी ना अनपढ़ आना। चल रहे हैं धीरे धीरे, आ रहे हैं भाई आ रहे हैं। ये देखिए कलाकारियां एक से एक बढ़कर मिलेंगी इस रूट पे। देख सकते हैं आप रास्ता, यहाँ पर पेड़ गिरे हुए हैं अच्छे खासे, तो यहाँ से निकलेंगे और दिलाएगी किसी ने, चले हुए अभी। तो आप देख सकते हैं हमारी जो सेकंड हाफ है, उसके पास से दिखने वाला ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अद्भुत। यहाँ पानी की बॉडी मिली है, तो अब यहाँ पानी पीने रुके हैं। ये हमारे हैप्पी ब्रो विकास, प्रत्यूष एंड अभिषेक, प्यास लग रही थी सबको, ले लिया पानी सब, ऐसा मैं भी पानी पी लेता हूँ, फिर चलते हैं। हमारे पाली ब्रो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, उसके बाद अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते पाए गए, 500 रुपये जुर्माना। रिक्ष जी और मुकुल जी बहुत बातचीत करते आ रहे हैं, थोड़ा समय लगा पर पहुंच गए। अदे योगी, तो काफ़ी देर बाद क्या बातचीत चल रही थी आप लोगों की? अरे हमारे अंतरिक्ष जी पहुंच गए, पानी पुनी पियो। तो फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड तीसरा पड़ाव। ये टेंट लगा है अंदर, आप देख सकते हैं, एंड जस्ट लुक एट द व्यू गाइज, फील्स लाइक ऑन टॉप। और आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो, यहाँ पर जो टेंट लगा है ये ब्लू कलर का, जस्ट एट 250 रुपीज़ में आपका खाना और रहना सब कुछ दे देंगे ये। तो ये तीसरा पड़ाव और ये शॉप गाइज, यहाँ रुक सकते हैं आप इस टेंट में, जहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है। अगर आप कभी यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं, ये यहाँ के ऑनर। हेलो भैया जी, कैसे हो आप? तो इनकी शॉप है। ये भाई लोग भी आए हुए हैं, ये वापस आ गए ऊपर से। हेलो भाई कैसे हो, कहाँ से हो भाई लोग आप? चंडीगढ़ से हो भाई, तो कैसा रहा भाई आपका ऊपर का सफर? रिलीफ मतलब बिल्कुल ठीक है। तो अभी वापसी का प्लान है आप लोगों का? आउट स्लीपर कुछ भी शूज़ वगैरह नहीं है इनके पास, लास्ट वाले भाई।
तो इनकी मन्नत थी, नहीं इनकी मन्नत थी, इन्होंने बताया कहते मन्नत थी, मन्नत मांगी थी। अब जा रहे हैं तो अब यहाँ से निकलेंगे, ये चूड़दार की वादियाँ अब ऊपर टॉप पे आ गए हैं और यहाँ से 6 किलोमीटर है ऊपर मंदिर। पर दिक्कत ये होगी कि 4 बजे मंदिर बंद हो जाता है, बट मूर्ति के वास्ते आपको बिल्कुल पहुँचाएँगे। सो फाइनली गाइस, वो टॉप पे जो आपको दिख रहा है श्री चूड़ेश्वर महाराज जी, वहाँ जाना है। अभी बहुत थक चुके हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आ चुके हैं ऊपर से, तो अभी जल्दी निकलेंगे। ये देख सकते हैं आप रास्ता सीधा ऊपर, बिल्कुल टॉप पे जाना है, अभी जाएंगे दिखाएंगे आपको। और देख सकते हैं आप रास्ता ऐसी जगह से आए हैं, दिस इज द वे टू चूड़धार। तो चलते हैं आगे, मिलते हैं ऊपर। देखते हैं गाइस आपकी ब्यूटी, रियली ऑसम, देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर और यहाँ से ये व्यू, बस कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे ऊपर। तो गाइस ठीक 3:55 हो गए हैं, 3:55 और नीचे से बोला था कि 1.5 घंटा लगेगा, रास्ते मिले थे वो बोल रहे थे 2.5 घंटा लगेगा, पर हमने कर लिया डिस्टेंस कवर। और आप ये व्यू देख सकते हैं, जस्ट ऑसम गाइस, लैंड ऑफ शिवा एंड यू कैन सी ऊपर हाईएस्ट पीक ऑफ सिरमौर, बहुत मानी हुई पीक है एशियन माउंटेन्स में। तो अभी चलते हैं ऊपर, अभी मंदिर चलेंगे। तो ये नीचे यहाँ पे मंदिर, शिरगुल महाराज जी का मंदिर और बताते हुए और चले हैं नीचे, फिर यहाँ से टॉप पर ऊपर मूर्ति पर जाएंगे, शिव जी की मूर्ति पर, तो भी मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको। तो पहुँच चुके हैं हम चूड़ेश्वर महाराज मंदिर, मेन मंदिर, और देख सकते हैं चूड़ेश्वर सेवा समिति। देख सकते हैं आप, लोग जो थक जाते हैं वो घोड़े पर भी आते हैं रास्ते से, तो घोड़े लेकर आ जाते हैं, उन्हें पे करना होता है। तो ये है गाइस मेन मंदिर शिरगुल महाराज जी का, और ये चोटी चूड़ेश्वर महाराज जी की चोटी। पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे और चल रहे हैं सारे भाई लोग ऊपर मंदिर की ओर, ये मुकुल भाई साथ। और यहाँ पर शॉप्स हैं, आपको भोग वगैरह लेना हो ऊपर के लिए आप ले सकते हैं, कुछ यादगार चीज़ें ले जानी हो यहाँ से तो ले जा सकते हैं भगवान जी के आशीर्वाद के तौर पे। वो भी मंदिर की ओर चलते हैं ऊपर। तो आप देख सकते हैं फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन, शिरगुल महाराज जी का मंदिर। यहाँ पर दर्शन करेंगे अभी और फिर ऊपर चोटी की ओर चलेंगे। और यहाँ बहुत ही अच्छा मूर्तियाँ यहाँ पर देख सकते हैं आप। विकास भाई मास्क लगा रहे हैं, मास्क जैसे गाइडलाइंस को फॉलो करें, और प्रत्यूष भाई ने भी लगा लिया है जी। कितनी अच्छी मूर्ति है यहाँ पर, एंड ये अपना मेन मंदिर जी। अंतरिक्ष जी आ चुके हैं दर्शन करके, जय शंकर जी आ चुके हैं। फिर कैसा रहा आपका आज का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था भाई। फाइनली जब पहुंचे यहाँ पे तो सीरियसली इट्स ऑसम गाइस, अंदर इतना अच्छा, आपको वीडियो फोटो नहीं दिखा पाएंगे अंदर एक्चुअली है, यस बट इतना ऑसम है ये डेस्टिनेशन, एंड वी फाइनली रीच हियर। भगवान जी को माथा टेक दिया है और प्रसाद भी ले लिया है, तो अब चलते हैं पीक की ओर। अब चलते हैं पीक की ओर। तो गाइस अभी हम मंदिर जा चुके हैं और आप व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल जन्नत है जैसे कि। तो भी चलेंगे ऊपर चोटी पर, दिखाएंगे आपको मेन पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ आवर सिरमौर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक चूड़धार चूड़ेश्वर महाराज। सनसेट भी होने वाला है, बहुत ही अच्छे टाइम पर पहुंच जाएंगे हम ऊपर, ये टॉप पर जाना है। चले हुए हैं सारे भाई, फाइनली ये अपनी मेन चोटी दिखने लग गई है, देख सकते हैं आप यहाँ। तो रास्ता आप देख सकते हैं ऊपर के लिए, कैसी कैसी जगह से जाना पड़ता है। कई जहाँ से आए अभी और यहाँ पर भी ऊपर धारणा के ऊपर जाके मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। योगेश भाई आगे, शुभम पाली और मुकुल ब्रो चले हुए हैं ऊपर और पहुँचने वाले हैं जस्ट 2 मिनट्स एंड विल बी ऑन आवर डेस्टिनेशन। चलो चलो भाई लोगों, चलो चलो, बहुत ठंड हो चुकी है, क्या कह रहे हैं पाली भाई इनके बारे में? ठंड तो
बहुत ठंड हो चुकी है इस टाइम पे, अब पाला पड़ना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, तो पहुँचते हैं ऊपर, मूर्ति के दर्शन कराते हैं आपको। आप देख सकते हैं रास्ता सुपर, देख सकते हैं आप त्रिशूल, तो मतलब पहुंच ही गए हैं बस, फाइनली शिव जी के चरणों में पहुंच चुके हैं, विक्ट्री। और बहुत ही अच्छा सफर रहा आज का गाइस, पूरा ट्रैक। बैग यहीं रख दो अभिषेक भाई, शूज खोल लो यहीं पे और चलते हैं दर्शन करने। फाइनली पहुंच चुके हैं और सनसेट का टाइम है, बहुत सारे श्रद्धालु लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो फाइनली दर्शन कर लिए हैं चुडेश्वर धाम और यहाँ पीक पर है हम बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं आप, वापसी कर दी अब हमने, ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं और बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है, सनसेट का टाइम है अपना, और वापिस चल पड़े हम। और देख सकते हैं आप यहाँ पर सुंदरता, वापसी कर दी हमने चुडेश्वर महाराज जी से। तो गाइस अभी चूड़दार से वापस जा रहे हैं सारे भाई लोग, और हमें दोस्त भी मिले हैं। हेलो भाइयों, कैसे हो, तो इनसे बात कराते हैं आपकी। आपका नाम? शेखर राजपूत। कहाँ से आए हो? बद्दी से। ये भाई लोग सारे अपने को ऊपर आते टाइम मिल गए थे सारे भाई लोग, भैया जी हेलो, तो ऊपर आए थे सारे भाई लोग साथ में, अब वापिस निकल रहे हैं, तो बद्दी नालागढ़ से आए हैं अभी, तो अब चलेंगे। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ का? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत फन हो गया मतलब पूरा। चलो ठीक है फिर अब चलते हैं। तो गाइस चले हुए नीचे तीसरी की ओर, तीसरे पड़ाव जो नीचे आता है, और आप व्यू देख सकते हैं गाइस, मानो बर्फ की चादर ओढ़ ली हो पहाड़ों ने जैसे की, और सनसेट का बिल्कुल परफेक्ट टाइम हुआ है गाइस। सी दिस व्यू गाइस, दिस इज ऑसम। अभी मैगी बनाने बैठे हुए हैं। तो हमारी डेस्टिनेशन कंप्लीट होने के बाद हम अपने वापस कैंप पर आए हैं, और देख रहे हैं जैसा कि आप मैगी बना रहे हैं, हम 8 लोग हैं, 2 बार बनेगी ब्रो, इसके बाद दलिया बनाएंगे अगर भूख लगी फिर, ठीक है? पापियाड़िया बेईमाना रे, कांडा टूटा कुंभरो रे, आए पियाड़िया बेईमाना रे, बोलो दाग लाए गोआ उमरो रे, आए पियाड़िया बेईमाना रे। सो गाइस देख सकते हैं आप, रात का फन जला हुआ है, नाटियां चली है, नाटी गा रहे हैं और मैगी बन रही है। मेरे नहीं मिलना सतरा के मजा, ओ किंदता माटिए तेरे देना किनारा। सो गाइस ये अपना बॉनफायर अभी भी चला हुआ है, और योगेश ब्रो बैठे हुए हैं, शुभम ब्रो ने मैगी खाई अभी भी, और मुकुल ब्रो मैगी खा रहे हैं, देख सकते हैं मैगी चली हुई है, तो मैगी खा रहे हैं बस, और डन हो गया अपना पेट, पूजा भी डन हो चुकी है, खा लिया सबने, और अब चलेंगे सोने की। और टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं, तो हम टाइम से पहुंच गए थे आज बहुत, और टाइम से मैगी बनाई बढ़िया आपने खाया, ब्रेड खाए, सुबह चाय का सोचते हैं, चाय बनाएंगे शायद, तो करते हैं बाद। सो शुभम ब्रो चॉकलेट दे रहे हैं ताकि बूस्ट हो जाए सभी, सो थैंक यू शुभम ब्रो। सो गाइज इट्स टाइम टू स्लीप नाउ, रात के 12 बजने वाले हैं, और अभी सब स्लीपिंग टेंट में, दोनों टेंट लगा दिए हमने, मैगी खा ली थी और अभी सो जाएंगे बस, जैसा सोचा था वैसा हो चुका है सब कुछ। एंड कल सुबह का जो रहेगा वो रहेगा कि नहराधार निकलेंगे यहाँ से, फिर नहराधार से आगे का सफ़र दिखाएंगे आपको बैक टू सराहा। तो ट्रिप हो चुका है, बहुत ऑसम ट्रिप था, बाकी सुबह बात करेंगे। और देख सकते हैं आप अभी स्लीपिंग बैग्स में पैक हो चुके हैं, ये हमारे शुभम ब्रो और ये पाली ब्रो, देख सकते हैं आप सो नहीं रहे अभी तक, सो जाओ शुभम ब्रो, सुबह नहीं उठना है आपको जल्दी? हाँ सर उठना है ना। ठीक है फिर गुड नाइट। ओके गुड मॉर्निंग। ओके गुड नाइट। मेरी छोटी पता नहीं क्यों हो रही है, बड़ी हो रही है।
लीपा भाई बोलते से लिपड़ा लिपड़ा फाइनली ये सुंदर चेहरा ये चांद सरोशन चेहरा वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग हो चुकी है गाइस ये अपने दोनों टेंट और बैग इन में और आप देख सकते हैं सनराइज भी हो चुका है बहुत ही प्यारा सनराइज होता है यहाँ पे और यहाँ पे ये सारे भाई अभी आग सेक रहे हैं और आप पार हॉर्स देख सकते हैं। सुबह ही सुबह के 8 बज चुके हैं 8:30 होने को है और अभी रेडी हो जाएंगे आग देख सकते हैं आप हमारी जली हुई है अभी तक बढ़िया और आग नहीं हम बुझने देते ये हमारे टेंट यहाँ पे हमने टेंट लगाए थे अपने ये देख सकते हैं आप ये अपना एक टेंट और दूसरा टेंट और बस रेडी हो रहे हैं सारे यहाँ से निकलने के लिए और विकास ब्रो भी बताया जा रहा है कि वाटरफॉल पे जाएंगे तो देखते हैं अभी कहाँ का क्या प्लान बनता है बस अब वापसी करेंगे फुल ट्रैक हो चुका है अपना पैकिंग शुरू हो गई है टेंट क्लोज किए जा रहे हैं और बैग पैक हो चुके हैं बस अब चलेंगे यहाँ से और हेल्प के लिए मुकुल ब्रो को बुलाया जा रहा है रॉकी ब्रो विश्राम फरमाते हैं और शुभम ब्रो के साथ में बिल्कुल उनको सहारा देंगे और देख सकते हैं आप यू गाइस गाय बैल सारे पशु आ चुके हैं यहाँ से खुले छोड़ दिए जाते हैं बैठे होते हैं चलते होते हैं और यहीं घूम रहे होते हैं कोई डरने की आपको जरूरत नहीं है इनसे तो गाइस यहाँ पे गाय आई थी और किसी ने देखा नहीं और ये हमारा कोलगेट रखा हुआ था और कोलगेट खा गई पूरा और पूरे मुझसे झाग झाग हो गई थी तो दोस्त बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा है तो देखा वो कोलगेट खा गई है और उसने फेंक भी दिया कोई ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है और यहाँ पे इन्होंने कैंप लगाए थे रात को सभी यहाँ पर 7-8 कैंप लगे थे रात को जहाँ हमने परसों दाल चावल बनाया था तो कल जब हम पहुँचे तो ये पहुँचे हुए थे यहाँ पे तो ये चंडीगढ़ से अंकल से इनसे बात हुई इन्होंने बोला कि आप थोड़ा साइड में लगा लो क्योंकि ये उस टाइम सोने की तैयारी में थे सो अपनी लोकेशन ये थी पूरा पन राग आए गए और वापसी जाएंगे नौहरादार यहाँ से अच्छा तो सभी पैकिंग हो चुका है सारे भाई लोग डन कर रहे हैं तो निकलेंगे यहाँ से तो ये थे हमारे अंतरिक्ष जी काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके अब तो हमारे भाई लोग सारे आ चुके हैं अब घर की और चल रहे हैं फाइनली पैकिंग इज ओवर एंड विल गो सत्य देव चूड़ी जय तो भाई जी आपको नीचे दिख रहा होगा ना नौहरादार पहुंच ही गए हैं बस और यहाँ मंदिर छोटा सा चलो चलो प्रतीश तो भाई फाइनली वी रीच नौहरादार देख सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन वर्क चला है टूरिज्म के वजह से बहुत ही अच्छा प्लेस बन चुका है बिकॉज ऑफ चूड़ेश्वर महाराज जी का ट्रैक मैं पहुंच चुका है नौहरादार मेन मार्केट और यहाँ पे नीचे गाड़ी लगी है पार्किंग में यहाँ वेट करेंगे अभी और यहाँ से जस्ट निकलेंगे अब कैंपिंग का सामान टेंटिंग का सामान आपको कुछ भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो जिस होटल में हम खाना खाने बैठे हैं यहाँ है अंकल जी उनका होटल है अंकल जी फिर टेंट वगैरह मतलब रेंट के लिए मिल जाते हैं स्लीपिंग बैग्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है ठीक है तो अंकल जी बता रहे हैं तो यहाँ से आप सब कुछ ले सकते हो देख सकते हो आप शेर महादेव की जय गाइस चल चुके हैं अब नौहरादार से वापस सोलन की ओर ही चले हुए हैं नौहरादार से वापस और यहाँ पे रुके हैं यहाँ जगह का नाम है कंडा नाला तो ये दिखाते हैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक झरना वाटरफॉल टाइप का है तो ये दिखाते हैं आपको राजगढ़ की और नौहरादार से प्रस्थान कर चुके हैं और हमारे मुकुल जी उस्ताद जी हमारे चुमा नाटी पर गाड़ी चलाते हुए बड़ा ही फील के साथ और हमारे पीछे सहपाठी अंतरिक्ष ब्रो पाली ब्रो योगी ब्रो गाइस चूड़धार ट्रिप से कल शाम को हम पहुंच चुके थे और ये व्यू देख सकते हैं आप सोलन का मॉर्निंग टाइम है इट्स 11:00 सो अब यहां से निकलना है सरां की और ट्रिप ख़त्म हो चुका है एंड ये देख सकते हैं आप नीचे डिग्री कॉलेज सोलन इसका ही ब्लॉग पूरा डला हुआ है चैनल पे और पूरा सोलन अपना मेरी जिंदगी सवारी कुछ
के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के।